Hello everyone, a very warm welcome to everyone in this today's session. Today we are going to conduct the fourth part of your short story, number 4. That's the Great Automatic Grammatizer. Okay, as you all know, we were doing this short story, okay, and due to some very crucial work, I was unable to make the video, isn't it? But don't worry, very soon we are going to complete, means most probably, okay, 90%, 90 not even 90, 95%, we will complete this entire short story before New Year. Yeah, before New Year, we're gonna finish this entire short story, okay? And most probably on 2nd or 3rd, okay? We're gonna complete that Thank You Ma'am, the 5th short story. And your class 11 syllabus for present will be completed, okay? As you all know, that 5 short stories are associated with your class 11th syllabus, isn't it? So we are on 4th short story, which is lengthy, okay? But don't worry, we're gonna complete this entire short story into 6 part, and this is our 4th part, okay? Now you're left with just 2 parts, isn't it? So this is going to be a 4th part. Now you're left with just 2 parts. Okay, so let's start. So now, हमने previous short story में previous part में basically पढ़ा था कि Mr. Bolin कहते हैं कि night, but ये जो plots होते हैं short story में, plots means जो structures होते हैं short story में, वो कहाँ से आएंगे? Isn't it? हम शॉर्ट स्टोरी डालेंगे तो, पर शॉर्ट स्टोरी के लिए प्लॉट्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरी के लिए स्टाइल होता है, क्रिटिकल एनालिसिस होते हैं, ओके? शॉर्ट स्टोरीज के पार्ट्स होते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस, ओके, एंड स्टाइल, ओके, द इंट्रोडक्शन एंड द बिहेवियर ऑफ द प्रोटागोनिस्ट, ओके, एंड इफ देयर इज एन एंटागोनिस्ट, सो देयर लाइक देयर ऑल द कैरेक्टर्स, तो ये सारी चीज़ें हम लाएंगे कहाँ से? बेसिकली स्ट्रक्चर कहाँ से लाएंगे, प्लॉट कैसे करेंगे हम अपने शॉर्ट स्टोरी को? देन एडोल्फ नाइफ सेज दैट वी फीड दोज इन सर, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. मतलब हम प्लॉट्स को फीड करेंगे, ओके? हम क्या करेंगे? प्लॉट्स को फीड करेंगे. नाउ देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, देयर इज नो प्रॉब्लम, मतलब That's no problem at all. मतलब वो कोई problem नहीं है. Then everyone has plots. There's 300 or 400 of them written down in that folder. They're on your left. मतलब कहना चाह रहे हैं कि हर story का एक plot होता है, हर story का अपना एक structure होता है, ओके? कोई लाइक शॉर्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा लाइक आप कह सकते हैं सटारिकल होती है, आयरनिकल होती है, सरकाजमिकल होती है, ओके? कोई शॉर्ट स्टोरी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रोमांटिक होती है, इज़न्ट इट? कोई शॉर्ट स्टोरी साइंस फिक्शन होती है, कोई शॉर्ट स्टोरी टेक्नोलॉजिकल होती है, कोई शॉर्ट स्टोरी बहुत सारी टाइप्स की होती है, इज़न्ट इट? जैसे कि हम एक टेक्नोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहे हैं, दिस इज़ अ टेक्नोलॉजिकल शॉर्ट स्टोरी, ओके? सो यहाँ पे नाइफ जो है वो कहता है कि हर शॉर्ट स्टोरी का अपना एक प्लॉट होता है, और हमारे पास हमारे जो फोल्डर है, हमारा जो ऑटोमेटिक इंजन है उसका फोल्डर है, उसमें 300 to 400 ऑफ प्लॉट्स रखे हुए हैं, ओके? हमने 300 to 400 ऑफ प्लॉट्स जो हैं वो ऑलरेडी लाइक स्टोर कर रखे हैं, ओके, इन द फोल्डर. नाउ फीड देम स्ट्रेट इन टू द प्लॉट मेमोरी सेक्शन ऑफ द मशीन. और हमने उन्हें फीड कहाँ किया है? प्लॉट मेमोरी सेक्शन में, ओके? प्लॉट मेमोरी सेक्शन में हमने उन्हें फीड कर दिया. देन मिस्टर बोलिन सेड गो ऑन, देयर आर मेनी अदर, गो ऑन, देन ही सेड गो ऑन, एंड देन नाइफ सेज देयर आर मेनी अदर
There are many other little refinements too. Mr. Woolley, you'll see them all when you study the plants carefully. For example, there's a trick that nearly every writer uses of inserting at least one long off-score word into each short story. Now, here Mr. Woolley says, here Adolf Knipe says that there are many other little refinements too. मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सही भी करनी होती हैं उसमें. मिस्टर बोले, ओके, यू सी देम ऑल वेन दे आर स्टडी टू प्लान्स केयरफुली. फॉर एग्जाम्पल, दे आर ट्रिक दैट नियरली एवरी राइटर यूजेज ऑफ इंसर्टिंग एट लीस्ट वन लॉन्ग ऑब्सक्योर वर्ड इन टू ईच स्टोरी. और आप देख सकते हैं कि जब आप पढ़ते हैं प्लान्स को बहुत केयरफुली, तो एक एग्जाम्पल थ्रू बता रहे हैं कि जैसे कि एक शॉर्ट स्टोरी होती है उसमें एक ट्रिक होती है. यहाँ पे ट्रिक बताई गई है कि शॉर्ट स्टोरी को लिखने के लिए राइटर्स जो होते हैं, जो पोएटर्स होते हैं, जो पब्लिशर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, शॉर्ट स्टोरी में एक डिफ़िकल्ट वर्ड ज़रूर डालते हैं. एक डिफ़िकल्ट वर्ड, ऑब्स्कर का मतलब होता है डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा टफ वर्ड, ओके, इंसर्ट जरूर करते हैं उनकी स्टोरी में. दिस मेक्स द रीडर थिंक दैट द मैन इज़ वेरी वाइज एंड क्लेवर. क्यों डालते हैं ये वर्ड, क्यों इतना मतलब कठिन वर्ड डालते हैं जिससे कि रीडर को ये लगे कि हाँ, ये कोई ऑर्डिनरी राइटर नहीं है, ही इज़ अ वेरी क्लेवर, ही इज़ अ वेरी कनिंग वन. ओके, देन आफ्टर दैट, सो आई हैव द मशीन डू द सेम थिंग. There will be a whole stack of long words stored away just from the purpose. Now, here he says, कि और सेम ऐसा ही मैंने किया है. मैंने भी इस मशीन में कुछ stacks का मतलब होता है कुछ भारी भरकम वर्ड्स हमने उनके ढेरे लगा रखे हैं. मतलब बहुत सारे भारी भरकम वर्ड्स हमने अपनी मशीन में फीड कर रखे हैं, जैसे कि हम अपनी शॉर्ट स्टोरी में, जैसे कि हम अपनी स्टोरी में डाल सकें. इज़न्ट इट? नाउ वेयर, नाउ ही सेड, कहाँ हैं वो वर्ड्स कहाँ डाले हैं आपने. देन ही सेड दैट इन द वर्ल्ड मेमोरी सेक्शन, ही सेड जैसे कि उनकी वर्ल्ड मेमोरी में एक शब्द है एपिजीजेटिकली. दिस इज अ वर्ड विच प्रोनाउंसिएशन इज एपिजीजेटिकली. ये एक वर्ड है, ओके, जो कि उन्होंने अपने फोल्डर में, अपने मेमोरी सेक्शन में डाला हुआ है, जिससे कि उन लोगों को लगे कि जो हम शॉर्ट स्टोरी लिख रहे हैं, मतलब उन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी में ये वर्ड डाला है, जिससे कि उन लोगों को लिखे कि ये किसी ऑर्डिनरी राइटर ने नहीं लिखी है, इज अ वेरी ब्रिलियंट राइटर. देन थ्रू मोस्ट ऑफ दैट डे द टू मेन डिस्कस द पॉसिबिलिटीज ऑफ द न्यू इंजन. इन द एंड मिस्टर वुली सेड दैट वुड हैव टू थिंक अबाउट इट सम मोर. मतलब उस दिन के बाद, ओके, उस दिन के बाद दो मैन जो हैं वो डिस्कस कर रहे थे दैट अबाउट द न्यू इंजन, जो हमने न्यू इंजन बनाया उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे. इन द एंड मिस्टर वॉलिन सेड दैट वुड हैव टू थिंक अबाउट इट सम मोर. और फिर मिस्टर वॉलिन ने क्या कहा कि हमें इसे थोड़ा और एडवांस बनाना चाहिए, इसे थोड़ा और हमें इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज क्वाइट एंथुसियास्टिक. Within a week, he was completely sold on the idea. Now, after a week, he was in a very cool mind because now he was having an idea, okay? And he said, what we'll have to do now is to say that we are merely building another mathematical calculator, but a new type. That'll keep the secret. Ab kya kehna cha rahe hain ki मिस्टर बोलन कहते हैं कि हमें और एक और कैलकुलेटर बनाना चाहिए, ओके, हमें एक और मैथमेटिकल कैलकुलेटर बनाना चाहिए, ओके, जो कि इससे ज़्यादा एडवांस हो. मतलब वो अपनी इस चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो कह रहे हैं कि हमें एक मैथमेटिकल कैलकुलेटर बनाना चाहिए जो इससे भी ज़्यादा क्या हो, एडवांस हो, पर हम इस चीज़ को सीक्रेट रखेंगे. जैसे कि हमने अभी एक ग्रामेटिजेटर बनाया है, ओके, ग्रामेटिजेटर बनाने से
हमारे पूरे हर तरफ ये बात फैल चुकी है कि एक ग्रेमेटिजेटर बनाए, पर जो हम नेक्स्ट लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेटर बनाएंगे दैट विल कीप एज अ सीक्रेट. देन ही सेड एग्जैक्टली मिस्टर बोलिन, हाँ बिल्कुल मिस्टर बोलिन, हम उसे एक सीक्रेट ही रखेंगे. देन आफ्टर इन सिक्स मंथ्स द मशीन वॉज कम्प्लीटेड, और 6 महीने की मेहनत के बाद वो मैथमेटिकल कैलकुलेटर, मैथमेटिकल कैलकुलेटर, ग्रामेटिजेटर अलग चीज़ है और मैथमेटिकल कैलकुलेटर अलग चीज़ है, याद रखना इस चीज़ को. पहले ग्रामेटिजेटर बनाया गया, अब इन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेटर बनाया जो कि किसी को नहीं बताया. इट इज़ जस्ट सीक्रेट. नाउ विद इन सिक्स मंथ की हार्ड स्क्वाचिंग लाइक वर्क के बाद उनका ये मैथमेटिकल कैलकुलेटर जो है वो कंप्लीट हो जाता है विद इन 6 मंथ. ओके, नाउ इट वॉज हाउस्ड इन अ सेपरेट ब्रिक बिल्डिंग एट द बैक ऑफ द प्रीमाइसेस, एंड नाउ दैट इट वॉज रेडी फॉर एक्शन नो वन वॉज अलाउड नियर इट एक्सपेक्टिंग मिस्टर बॉल सॉरी एक्सेप्टिंग मिस्टर बोलिन एंड एडॉल्फ नाइन. और वो जो मैथमेटिकल कैलकुलेटर है वो कहाँ रखा गया, इट वॉज वेरी ह्यूज, इट वॉज इनॉर्मस, और दैट्स वाई इट वॉज केप्ट इन अ सेपरेट रूम, एक सेपरेट रूम में रखा गया जो कि आप कह सकते हैं एक ब्रिक्स से बना हुआ रूम है. ओके, बड़ा सा रूम है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता, कोई भी अलाउ नहीं है वहाँ पे जाना एक्सेप्ट मिस्टर बोलिन और एडॉल्फ नाइन, वो ही दो लोग जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता उस बिल्डिंग में. ओके, इट वॉज एन एक्साइटिंग मूवमेंट विद द टू मैन, द वन शॉर्ट पर्ल ब्रेल्ड द अनदर टॉल थिन एंड टूथी स्टूड इन द कॉरिडोर बिफोर द कंट्रोल पैनल एंड गॉट रेडी टू रन ऑफ द फर्स्ट स्टोरी. नाउ वो बहुत एक्साइटिंग मूवमेंट था जहाँ पे दो मैन, यहाँ पे दो मैन किसे कहा गया, एडॉल्फ नाइप और मिस्टर बोलिन. ओके, मिस्टर जॉन बोलिन और एडॉल्फ नाइप को यहाँ पे बोला गया है. तो वो दोनों मतलब इट वॉज अ वेरी एक्साइटिंग मूवमेंट क्योंकि दोनों लोगों ने एक मैथमेटिकल कैलकुलेटर बनाया था. ओके, द वन शॉर्ट पर्ल लेफ्ट, हु इज दिस वन, एडॉल्फ नाइप. एडॉल्फ नाइप इज द शॉर्ट पर्ल प्लम्प ब्रिवाइप्ड, ब्रिवाइप्ड का मीन्स होता है एग्जॉस्टेड. ओके, तो वो बहुत ज़्यादा थका हुआ छोटा सा इंसान था. एंड अनदर टॉल थिन एंड टूथी, टूथी मीन्स बहुत ह्यूज. ओके, उसके जो जो दांत थे दैट वॉज लिटिल लाइक आप कह सकते हैं थोड़े बाहर थे. ओके, फ्रॉम द लिप्स. सो दे बोथ वर स्टूड इन द कॉरिडोर बिफोर द कंट्रोल पैनल एंड गेट रेडी टू रन ऑफ हिज रन ऑफ देयर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी. ना वो दोनों कॉरिडोर में जो कंट्रोल पैनल था उस शॉर्ट स्टोरी उस कैलकुलेटर का उस कंट्रोल पैनल की तरफ खड़े थे और वो अपनी पहली शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए तैयार थे. इजंट इट, ऑल अराउंड देम वर walls divided up into many small corridors and the walls were covered with a wiring and plugs. और उनके पूरे रूम में बहुत छोटे छोटे कॉरिडोर्स थे, बहुत छोटे छोटे कॉरिडोर्स से वो बॉल जो डिवाइड थी, और मतलब उनके चारों तरफ जो बॉल्स थी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल कॉरिडोर से डिवाइड थी, और उनके बॉल्स जो हैं इट वॉज एंटायरली कवर्ड विद द वायरिंग सर्किट्स इन प्लग्स स्विचेस एंड ह्यूज ग्लास वेल्व्स. इन सारी चीज़ों से वो पूरी वॉल जो थी वो कवर्ड थी क्योंकि वो सिर्फ एक इलेक्ट्रिकल रूम था. ओके, और दोनों नर्वस थे, बोथ वर नर्वस. मिस्टर बोलिन होपिंग फ्रॉम वन फूट टू द अनदर टू द अदर क्वाइट अनेबल टू कीप स्टिल. नाउ मिस्टर बोलिन जो वो थोड़े नर्वस थे एंड ही वॉज होपिंग कि he was like hoping, he was predicting that from one foot to the other quite unable to keep still. Now he was thinking ki hame kaun sa button dabana chahiye, kaun si kya cheez karni chahiye. Then Adolf Knife said, he asked to Mr. Bolin which button. ab dekho in logon ne yahan pe kya kiya tha, in logon ne ek button, wo buttons laga diye the. okay, pictures jo thi wo buttons ke laga diye the, matlab pictures mein buttons laga diye the. Then Knight asked that हमें कौन सा बटन दबाना चाहिए. ओके, आई a row of small white discs that resemble the key of a typewriter.
उनकी जो कीज थी वो कैसी थी, गोल कीज थी जो कि किसकी तरह लग रही थी, टाइपराइटर की तरह लग रही थी, सेम एज द टाइपराइटर। ओके, नेक्स्ट थिंग ही सेज दैट यू चूज मिस्टर बोलिन लॉट्स ऑफ मैगजीन टू पिक फ्रॉम सैटरडे इवनिंग पोस्ट कॉलरस लेडीज होम जनरल एनी वन यू लाइक। नाउ उन बटन्स में इन सारी मैगजीन्स के नेम थे। नाउ ये जो मशीन थी ये नाइप ने बनाई थी। नाउ नाइप आस्क्स टू मिस्टर बोलिन कि आप कोई सही बटन दबाइए, ओके, और जो बटन दबाएंगे उसी का स्ट्रक्चर उस स्क्रीन में आ जाएगा। ओके, ये कुछ मैगजीन्स हैं लाइक सैटरडे इवनिंग पोस्ट कॉलियर्स लेडीज होम जनरल। ओके, आप इनमें से किसी एक का बटन दबाएंगे आपका क्या हो जाएगा, योर द पिक्चर विल कम इन द स्क्रीन, ऑन द स्क्रीन। नाउ ही सेज goodness my goodness me boy how do I know he was jumping up and down like a man with heights। Now goodness my boy, jab goodness me boy matlab jab unhone tareef ki in type is grammatizer ki jo ki kisne banaya tha, Nike ne banaya tha, okay, then he was in a very enthusiastic mood and he just jump up and down, okay, like a man with hives। aisa lag raha tha jaise use hives kehte hain hum, this is a disease, hives ek disease hoti hai, to aisa lag raha tha jaise ki use hives ho gaya। hives ek aisi disease hoti hai jisme bahut zyada aap keh sakte hain inflammation hoti hai, jiski wajah se we often used to wander here and there, isn't it, with pain। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पे, ओके, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे हाइप्स हो चुका है। देन मिस्टर बोलिन एडॉल्फ नाइट आस्क्ड ग्रेवली डू यू रियलाइज दैट एट दिस मोमेंट विद योर लिटिल फिंगर अलोन यू हैव इट इन योर पावर टू बिकम द मोस्ट versatile writer on this continent। Now यहाँ पर थोड़े से मिस्टर जो बॉलिन है वो थोड़े से आप कह सकते हैं हल्के से envious हो जाते हैं, हल्के से jealous हो जाते हैं नाइप से। तो क्या कहते हैं वो कि क्या तुम्हें लगता है, ओके, एडॉल्फ नाइप, मिस्टर बॉलिन एडॉल्फ नाइप सेड ग्रेवली, यहाँ पे नहीं होते, एक्चुअली नाइफ सेट टू मिस्टर बोलिन कि मिस्टर बोलिन क्या आपको लगता है कि हमारी ये जो मूवमेंट है, ओके, इस मूवमेंट पे आपकी जो छोटी छोटी फिंगर्स हैं, ओके, यू हैव इट इन योर पावर टू बिकम द मोस्ट वर्सटाइल राइटिंग ऑन द कॉन्टेंट ऑन दिस कॉन्टिनेंट, मतलब क्या आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा वर्सटाइल मीन्स होते हैं हम डिफरेंट टाइप्स के, ओके, वर्सटाइल टाइप्स के राइटर बन जाएंगे इस कॉन्टिनेंट पे। देन ही सेड Mr. Bolin said, "Listen, Knight, just get on with it. Will you please and cut out the preliminaries?" Now they both are very nervous. वो दोनों बहुत nervous हैं. Then Knight, Mr. Bolin said that, "Listen, Knight, just get on with it. Will you please and cut out the preliminaries?" Means लिसन नाइन, क्या तुम ये जो पहले लिखा हुआ था इसे कट कर सकते हो? ओके, देन मिस्टर बोलिन सेट, नाइप सेट, ओके मिस्टर बोलिन, देन वील मेक इट, लेट अस सी दिस वन, हाउज दैट, ही एक्सटेंडेड अ वन फिंगर एंड प्रेस डाउन अ बटन विद द नेम टुडेज वेमेन। नाउ अब वो क्या करते हैं, जस्ट वेट, नाइट क्या करता है, वो टुडेज वुमेन का एक बटन दबा देता है, ओके, टुडेज वुमेन लिखा था उसका बटन, ही प्रेस आउट द बटन, वो उस चीज़ का बटन दबा देता है, ओके, प्रिंटेड अक्रॉस इट डिमिनुटिव ब्लैक टाइप, देयर वाज अ शार्प क्लिक एंड व्हेन ही टुक हिज फिंगर अवे द बटन रिमेन डाउन बिलो द लेवल ऑफ द अदर्स।
नाउ वो जब वो उसका बटन दबा देता है तो टुडेज वेमेन एक ब्लैक कलर की हेडिंग लिखकर आ जाती है, और जब वो उस बटन को मतलब अपनी फिंगर हटाता है उस बटन से, तो वो बटन जो वो अपनी ओरिजिनल प्लेस पे आता है। जैसे कि हमारे कीबोर्ड्स होते हैं, कीबोर्ड्स में हम बटन से दबाते हैं तो वो पहले प्रेस हो जाते हैं, बटन को छोड़ दो ओरिजिनल प्लेस पे आ जाते हैं। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जो बटन था वो अपनी ओरिजिनल लेवल पे आ जाता आ गया था, जैसे कि दूसरे और बटन्स थे। ओके नाउ सो मच फॉर द सिलेक्शन ही सेड, नाउ हियर वी गो। मतलब काफ़ी ज़्यादा बटन्स थे और काफ़ी ज़्यादा सेलेक्ट करने के लिए भी थे। ओके ही रीच्ड अप एंड पुल्ड अ स्विच ऑन द पैनल, जिंगल ऑफ मैनी टाइनी क्विकली मूविंग लेवल्स एंड ऑलमोस्ट इन द सेम इंस्टेंट शीट्स ऑफ क्वार्टो पेपर बिगेन स्लाइडिंग आउट फ्रॉम अ स्लॉट टू द राइट ऑफ द कंट्रोल पैनल एंड ड्रॉपिंग इनटू अ बास्केट बिलो। नाउ वो जैसे जैसे बटन्स को दबा रहे थे उस तरीके से जो पैनल्स हैं उसमें से पेचेस निकल के कहाँ गिर रहे थे, नीचे बास्केट में गिर रहे थे, नीचे उन्होंने बास्केट लगा दी थी। तो जैसे कि हमारे प्रिंटर्स होते हैं, प्रिंटर्स में कोई चीज़ प्रिंट होकर जो पेपर होता है वो अपने आप ऊपर आ जाता है, इसी टाइप के ये ऑटोमेटिक इंजन था जो कि पेपर्स में से जिस बटन को दबाया उस बटन को प्रिंट करके पेपर अपना ऊपर मतलब पेपर नीचे फेंक रहा था इन द बास्केट, नीचे जो बास्केट रखी थी उसमें। ओके देन वी वर स्लाइडिंग ड्रूपिंग इनटू बास्केट बिलो। ओके देन दे कम आउट क्विक वन शीट अ सेकेंड एंड इन लेस देन हाफ अ मिनट इट विल ऑल ओवर, और विद इन हाफ मिनट पूरी एक शॉर्ट स्टोरी बन के तैयार हो गई। ओके द शीट स्टॉपिंग कमिंग That's it. A Dolph Knight cried. There's your story. Now, जो शीट्स थी वो आई जा रही थी नीचे, नीचे शीट निकलती जा रही थी और फिर नाइट बोला that's it. He cried. That's it, Mr. Wolin. हमारी शॉर्ट स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है. ओके यही हमारी शॉर्ट स्टोरी है. Then they grabbed the sheet and began to read. Now he pulled the sheet from the machine and then he started reading. ओके He start reading. The first one they picked up started as follows. और जो जब उन्होंने पहली शीट उतारी, जब उन्होंने पहली शीट निकाली खींची थी, तो उस शीट में से कुछ बहुत उल्टी सी चीज़ें लिख कर आ रही थी, लाइक दिस टाइप ऑफ थिंग्स यू कुड सी। ओके ऑब्वियसली आई कैन नॉट रीड। ओके वे वी वर ओके दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स वर कमिंग फ्रॉम दैट grammatizer. Just wait. Okay, जब उन्होंने शीट निकाली तो शीट में से इस तरीके की चीजें लिख कर आ रही थी। ओके इस तरीके की चीजें लिख कर आ रही थी, you could see over here. Okay, तो उन्हें लगा obviously कोई error है, पर अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे, ओके अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे that they look at each other. दे लुक एट इच अदर, अब वो दोनों अपनी तरफ मतलब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। ओके देन द स्टाइल वॉज रफली सिमिलर इन ऑल ऑफ दैम, मिस्टर बोलिन बिगेन टू शाउट दैट दैट द यंगर मैन ट्राइड टू काम हिम डाउन। मतलब जब उन्होंने ये देखा कि जो लैंग्वेज है ये थोड़ी अजीब सी आ रही है, मतलब जो ग्रामेटिजेटर है वो कुछ अजीब सा लिख रहा है, तो मिस्टर वॉलिंग बहुत गुस्सा हो गए क्योंकि उनकी मेहनत रुअन हो गई, इज़न्ट इट। पर जैसे तैसे नाइफ ने उन्हें काम किया, उन्हें शांत किया, इज़न्ट इट। एंड वेट ओके और फिर नाइफ ने अपना दिमाग चलाया, ही सैड इट्स ऑल राइट सर रियली इट इज It only needs a little adjustment. मतलब कहना नाइफ कहता है कि सर बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई गलती नहीं है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसे जस्ट थोड़ा स्पेस चाहिए। एडजस्टमेंट का मतलब है थोड़ा सा स्पेस चाहिए। अगर आप खुद देखेंगे, आप लोग खुद देखेंगे इन वर्ड्स को, तो आपको ये वर्ड्स दिखेंगे बिल्कुल सही दिखेंगे। ओके आपको ये वर्ड्स बिल्कुल सही दिखेंगे, बट इन्हें थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ओके जैसे कि अगर आप अपने टेक्स्ट खोल के देखेंगे तो इफ़ यू रीड दिस वर्ड्स देन दे लुक लाइक अ वेरी नॉर्मल वर्ड्स, इज़न्ट इट, बहुत नॉर्मल लगेंगे आपको।
ओके तो बुक क्या कहते हैं, ओके अभी तो ये वर्ड्स थोड़े से रॉन्ग आ रहे हैं, ओके अभी ये वर्ड्स थोड़े रॉन्ग आते हैं, तो इसे देख के एडॉल्फ नाइफ जो है वो गुस्सा हो जाते हैं, ओके देन मिस्टर बोलिन जो है वो सॉरी मिस्टर बोलिन गुस्सा हो जाते हैं, देन एडॉल्फ नाइफ उन्हें काम करता है, ओके उन्हें शांत करता है, ये वर्ड्स अभी रॉन्ग आ रहे हैं, ओके देन ही सेड कि इट्स ओके सर, ये बिल्कुल ठीक है, इन्हें थोड़ा सा एडजस्टमेंट चाहिए, इन्हें थोड़ा सा मतलब राइट कनेक्शन चाहिए, ओके वी हैव कॉट अ कनेक्शन रॉन्ग समवेयर, मतलब हमने ज़रूर कहीं पे कनेक्शन गलत करा है, ओके ज़रूर हमारा कनेक्शन कहीं पे गलत है, यू मस्ट रिमेंबर मिस्टर बोलिन देयर इज ओवर अ मिलियन फीट ऑफ राइटिंग इन दिस रूम, यू कांट एक्सपेक्ट एनीथिंग टू बी राइट फर्स्ट टाइम, मतलब मिस्टर बोलिन आप खुद देखिए इस रूम में हर तरफ बटन्स ही बटन्स है, आप पहली बार में कोई चीज़ सही लिख जाए ये ज़रूरी तो नहीं, आप ऐसी होप मत लगाइए अगर पहली बार में कोई चीज़ ज़रूरी लिख जाए, बिकॉज यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ बटन्स हेयर, ओके देन ही सेट इट विल नेवर वर्क, मिस्टर बोलिन सेट बी पेशेंट सर बी पेशेंट, नाउ मिस्टर बोलिन बाई एंगर ही सेड कि ये कभी काम नहीं करेगी, ये बेकार ही है, बेकार ही रहेगी, ये कभी काम नहीं करेगी, देन नाइफ सेड दैट बी पेशेंट, रुकिए थोड़ा सब्र रखिए, ओके ये ज़रूर काम करेगी, देन नाइफ एडॉल्फ नाइफ सेट आउट टू डिस्कवर द फॉल्ट एंड इन 4 days time he announced that all was ready for the next try. Now Adolf Knipe कहते हैं कि थोड़ा सा आप मतलब patient रखिए, okay इसमें थोड़ा सा आप fault है, okay mechanical या electrical fault है, तो Adolf Knipe क्या करता है 4 दिन मांगता है, okay 4 दिन मांगता है मिस्टर वॉलिन से कि आप मुझे 4 दिन दीजिए, मैं इस glitch को ठीक कर दूंगा, okay I'll try to rectify this glitch, okay then within 4 days he announced that all was ready for the next try, means 4 din ke baad us wo kehta hai ki hamare next try ke liye machine bilkul taiyar hai, no it will never work mr bolin said I know it will never work, knife smiled and present the selector button marked reader's digest digest, now एडॉल्फ नाइप सॉरी मिस्टर बोलिन को पूरा भरोसा था कि ये जो मशीन है वो कभी काम नहीं करेगी, ये मशीन कभी काम कर ही नहीं सकती, ओके पर मिस्टर बोलिन वो एडॉल्फ नाइप जो है ही स्माइल्ड, वो थोड़ा खुश होता है, ही गिगल्स बेसिकली एंड वो प्रेस करता है एक बटन जिसका नाम था रीडर्स डाइजेस्ट, दिस इज़ अ बटन जैसे कि मैंने बताया जो बटन्स थे टाइप जो ग्रामेटिजेटर के उसमें पूरे स्ट्रक्चर्स बन के आते थे, उसमें पूरा वर्ड बन के आता था, तो यही कहा जा रहा है कि जो नाइफ है वो एक वर्ड को प्रेस करता है दैट इज़ रीडर्स डिजिट, देन ही पुल्ड द स्विच एंड अगेन द स्ट्रेंज एक्साइटिंग ह्यूमनिंग ह्यूमिंग साउंड फिल्ड द रूम, और अगेन वो मशीन्स की आवाज़ ह्यूमिंग कहा ह्यूमिंग कहते हैं जब वायर्स की आवाज़ आती है, वायर्स के आप कह सकते हैं वायर्स में जब करंट फ्लो होता है वो उस आवाज़ को हम क्या कहते हैं ह्यूमिंग, तो पूरा रूम स्ट्रेंज और एक्साइटमेंट से और साथ ही साथ वायर की जो आवाज़ है उससे भर गया था, ओके इट वॉज एक्ोइंग, ओके एक्ो कर रही थी, एंड वन पेज ऑफ टाइप स्क्रिप्ट फ्लू आउट ऑफ द स्लॉट इन टू द बास्केट, और तभी टाइपराइटर में से तभी ग्रामेटिजेटर में से एक वर्ड एक पेज बेसिकली पेज निकल के नीचे बास्केट में गिर गया, ओके आजकल के प्रिंटर्स कैसे होते हैं, आजकल के प्रिंटर्स में से पेजेस आते हैं ऊपर की तरफ से, पर पहले का जो ग्रामेटिजेटर था ये जो ये ग्रामेटिजेटर के पेज नीचे से आते थे, यू हैव टू कलेक्ट दैट इन टू अ बास्केट, ओके तो यही हुआ कि एक पेज कहाँ निकल गया, बास्केट से निकल गया, ओके एंड वेयर्स द रेस्ट मिस्टर बोलिन क्राइड इट स्टॉप्ड इट्स गोन रॉन्ग, नो सर इट हैजंट इट्स एग्जैक्टली राइट इट्स फॉर द डाइजेस्ट डोंट यू सी दिस टाइम इज बिगेन, नाउ मिस्टर बोलिन सेड कि जो बाकी के पेजेस हैं ये तो अभी एक ही निकला है, बाकी के पेजेस कहाँ हैं, ओके वो चिल्लाते हैं कि बाकी के पेजेस कहाँ हैं, वो शायद रुक गए हैं, लगता है दोबारा ख़राब हो गई है मशीन, देन नाइफ सेड कि नहीं सर वो ख़राब नहीं हुई है, मशीन बिल्कुल सही है, ओके ये जो पेजेस हैं किसके लिए हैं,
आपको पता नहीं है पेजेस करके डाइजेस्ट के लिए हैं, इट्स मीन मशीन को डाइजेस्ट करना पड़ेगा उन पेजेस को। आप समझ पा रहे हैं इसका टाइटल क्या है इस स्टोरी का? रीडर्स डाइजेस्ट। ओके, हियर यू कुड सी रीडर्स डाइजेस्ट। तो मिस्टर बोलन कहता है कि क्या आपने इस शॉर्ट स्टोरी का टाइटल नहीं पढ़ा? रीडर्स डाइजेस्ट मीन्स आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, इजंट इट, बुक के लिए। दिस टाइम इज बिगेन मीन्स टाइम होने वाला है। ओके, जो पेज है उसके टाइम होने वाला है, देन वो पेज निकल के आता है। ओके, और उस पेज में इस बार कुछ इस तरीके की राइटिंग आती है। ओके, कुछ इस तरीके की राइटिंग आती है, आप देख सकते हैं। मैं अगेन आई कुछ इस तरीके की राइटिंग आप देख सकते हैं, पर इस बार अगर आप अपने इस राइटिंग को ध्यान से देखेंगे बिल्कुल, तो ये राइटिंग बिल्कुल ठीक है। ओके, ये जो राइटिंग है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस राइटिंग में हर एक शब्द बिल्कुल सही लिखा हुआ है। जस्ट इट नीड लिटिल स्पेस। ओके, इसे थोड़ी सी स्पेस की ज़रूरत है, बाकी सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल ठीक हैं। जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप इसे बिल्कुल सही से पढ़ें तो दिस इज फ्यू, दिस इज फ्यू प्यूपल येट नो। ओके, इस तरीके से इट इज़ अ इट इज करेक्ट, जस्ट इट नीड लिटिल स्पेस। देन एंड सो ऑन, ये सारी चीजें इसमें लिखी थी, इज़न्ट इट। देन मिस्टर बोलन शाउट, वो दोबारा चिल्लाते हैं दैट इट्स गिबरिश। ओके, ये इट्स गिबरिश मतलब ये कूड़ा है। ओके, ये बेकार है। देन मिस्टर सॉरी एडोल्फ नाइप जो है वो क्या कहते हैं, नाइप कहता है कि नो सर इट्स फाइन, कांट यू सी इट्स सिंपली दैट शी इज नॉट ब्रेकिंग अप द वर्ड्स। मतलब कहना चाह रहे हैं कि नहीं सर, क्या आप देख नहीं सकते, मतलब कांट यू सी, क्या आप नहीं देख, मतलब आप देख नहीं पा रहे हैं कि इसे जस्ट थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ओके, इट जस्ट नीड अ लिटिल ऑफ स्पेस। Can't you see? It's simply that she is not breaking up. She is not breaking up का मतलब इसे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ओके, इस ग्रामेटिसिटी को थोड़ा सा स्पेस चाहिए जिससे कि ये अच्छी तरीके से शॉर्ट वर्ड्स को लिख पाए। एडजस्टमेंट, दैट्स एन ईजी एडजस्टमेंट, बट द स्टोरी इज देयर। लुक मिस्टर बोलिन, लुक, इट्स ऑल थ्री एक्सपेक्ट एक्सेप्ट द वर्ड्स आर ज्वाइंट टूगेदर। मतलब कहना चाह रहे हैं नाइट दैट इस शॉर्ट स्टोरी में हर चीज़ है। ओके, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी वोकैबुलरी प्रॉब्लम, ओके, विदाउट एनी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जैसे कि टेंसेस हो गए, टेंसेस की प्रॉब्लम, या ग्रामेटिकल प्रॉब्लम आप बेसिकली कह सकते हैं। मतलब विदाउट एनी ग्रामेटिकल प्रॉब्लम, इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, वो है स्पेस की, बाकी सारी प्रॉब्लम नहीं है, isn't it? Then and indeed it was. When the next try a few days later, अब दोबारा try किया जाता है। देखो तीन बार try हुआ, पहली बार try हुआ तो ना ही words सही थे ना ही उनमें space था। दूसरी बार try हुआ है चार दिन बाद, तो इसमें words तो ठीक है but space नहीं है, विदाउट एनी लाइक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, विदाउट स्ट्रक्चर के। ओके, विदाउट एनी एरर, ग्रामेटिकल एरर। और तीसरी बार जब होगा तो बिल्कुल ठीक होगी शॉर्ट स्टोरीज। ओके, तो यही कहा जा रहा है कि जो कुछ दिनों बाद तीसरा ट्राई हुआ और सारी चीज़ें परफेक्ट थी, मतलब हर पंचुएशन मार्क्स पर पंचुएशन परफेक्ट थी, जितने भी पंचुएशन मार्क्स लगने चाहिए थे वो सारे मार्क्स लगे थे। ओके, पंचुएशन मार्क्स बिल्कुल सही जगह पे लगे थे। एंड द फर्स्ट स्टोरी दैट दे रेन ऑफ फॉर अ फेमस विमेंस मैगजीन वॉज अ सॉलिड प्लॉटी स्टोरी ऑफ अ बॉय हु वॉन्टेड टू बेटर हिमसेल्फ विद हिज रिच एम्प्लॉयर। नाउ ये शॉर्ट स्टोरी है जो उन्होंने लिखी थी। ओके, अब थोड़ा सा जिस्ट दिया जा रहा है उस शॉर्ट स्टोरी का। ओके, जो पहली शॉर्ट स्टोरी उन्होंने लिखी थी, दैट वाज अ वेरी फेमस वुमेन्स मैगजीन, वो कहाँ, वो किसके लिए थी, ये एक बहुत ही फेमस वुमेन की मैगजीन के लिए थी। ओके, बहुत शॉर्ट स्टोरी बहुत ही फेमस वुमेन की मैगजीन के लिए थी।
एंड वॉज अ सॉलिड प्लॉट स्टोरी ऑफ अ बॉय, और एक बहुत ही प्यारी सी सॉलिड शॉर्ट स्टोरी थी, ओके, ऑफ अ बॉय हु वॉन्ट टू बेटर हिमसेल्फ विद हिज रिच एम्प्लॉयर, एक उस लड़के की थी जो अपने रिच एम्प्लॉयर से, अपने बॉस से अच्छा, मतलब अच्छे से बनना चाहता था, ओके, मतलब वो अपने बॉस से ज़्यादा अच्छा बनना चाहता था, ओके. दिस बॉय अरेंज सो दैट स्टोरी वेंट फॉर अ फ्रेंड टू होल्ड अप द रिच मैन्स डॉटर ऑन अ डार्क नाइट व्हेन शी वॉज ड्राइविंग होम. और जो बॉय है वो क्या करता है, ही होल्ड हिज रिच मैन्स डॉटर, वो अपनी जो बॉस है, जो रिच मैन है, उसकी डॉटर को क्या करता है, एक अंधेरी रात में ड्राइविंग पे ले जाता है, ओके, कहाँ ले जाता है, घर से ड्राइविंग पे ले जाता है. देन द बॉय हिमसेल्फ हैपनिंग बाय नॉकिंग द गन आउट ऑफ द फ्रेंड्स हैंड एंड रिसीव्ड द गर्ल. द गर्ल वॉज ग्रेटफुल बट द फादर वॉज सस्पिशियस. ही क्वेश्चन द बॉय शार्पली. नाउ आपको क्या होता है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द स्टोरी विच वॉज पुट इन द ग्रामेटिजेटर, जो कि ग्रामेटिजेटर में थी, ओके. सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय हु वॉन्टेड टू बेटर हिमसेल्फ विद हिज रिच एम्प्लॉयर, मतलब ये एक उस लड़के की कहानी है जो अपने बॉस की नज़रों में बहुत अच्छा बनना चाहता था, अपने बॉस की नज़रों में बहुत महान काम करना चाहता था, ओके, अपने अमीर बॉस की नज़रों में. द बॉय अरेंज सो दैट स्टोरी वेंट फॉर अ फ्रेंड टू होल्ड अप द रिच मैन्स डॉटर ऑन अ डार्क नाइट व्हेन शी वॉज ड्राइविंग होम. तब उस फ्रेंड ने, उस लड़के ने क्या कहा, उस लड़के ने क्या करा, उस लड़के ने अपने दोस्त से मदद मांगी और उस दोस्त से कहा कि तुम क्या करो, तुम मेरी बॉस की लड़की का किडनैप कर दो, तुम मेरी बॉस की लड़की को, यू विल किडनैप हर, ओके, इन द डार्क नाइट, कब डार्क नाइट में उन्हें, उसे किडनैप कर दो. एंड शी वॉज ड्राइविंग होम, जब वो घर की तरफ जा रही हो तब तुम उसे किडनैप कर लेना, ओके. देन द बॉय हिमसेल्फ हैपनिंग बाई नोइंग द गर्न आउट ऑफ हिज फ्रेंड्स हैंड एंड रेस्क्यूड द गर्ल. द गर्ल वॉज ग्रेटफुल. और फिर क्या करा उस लड़के ने, जिसने उस लड़की को किडनैप करवाया था, जिसने अपने बॉस की लड़की को किडनैप करवाया था, उसी सेम एम्प्लॉयर ने क्या करा, उसी सेम लड़की ने उसकी, उससे मतलब हीरो बनकर आया वो, और उसने मदद करी उस लड़की की, अपने दोस्त से छुड़वाया. देखो कहानी इस तरह की है कि एक लड़का था और उसका बॉस था. अब लड़के को उसकी बॉस की नज़र में बनना था बहुत अच्छा पर्सन, मतलब बहुत अच्छा पर्सन बनना था, बहुत ऊंचा पर्सन बनना था, कोई महान काम करके, जैसे कि उसके बॉस जो है वो उसे क्या कर सके, एक अच्छी नौकरी कर दे सके, या उसे आप कह सकते हैं एक हाई रैंक पे बिठा सके, इज़न्ट इट. तो उसने क्या करा, उसने अपने दोस्त की मदद मांगी उस लड़के ने, और उस लड़के ने अपने बॉस की लड़की का किडनैप करवाया, ओके. जब उसके बॉस की लड़की जा रही थी बाहर अपने घर से, इज़न्ट इट, देन आफ्टर किडनैपिंग हर वो लड़का आया, ओके, जिसने किडनैप करवाया, ओके, वो लड़का आया और हीरो बन के उसने उस लड़की को छुड़ा दिया और अपने बॉस को दे दिया उस लड़की को. क्यों उसने ये सब करा, जिससे कि बॉस उसका प्रमोशन कर दें, जिससे कि बॉस उसे हाई रैंकिंग पार दे दें, ओके, इसलिए उसने हीरो, मतलब नकली का हीरो बना अपने बॉस के सामने, ओके. Then the boy himself happening by knocking the gun out of his friend's hand and rescued the girl. मतलब उसने अपने फ्रेंड से गन छीनी और उस लड़की को बचाया, ओके. द गर्ल वॉज ग्रेटफुल. गर्ल जो थी वो बहुत ग्रेटफुल थी उस लड़के की, ओके. बट द फादर वॉज सस्पिशियस. पर उसके जो पिता थे वो थोड़ा शक कर रहे थे, ओके, उन्हें शक था थोड़ा, ओके. ही क्वेश्चन्ड द बॉय शार्पली. द बॉय ब्रोक डाउन एंड कन्फेस्ड. उस मतलब उसके बॉस ने उस लड़के से बहुत तेज़ी से क्वेश्चन किया, बहुत चिल्ला के क्वेश्चन किया, और उसके डर की वजह से उस लड़के ने सारा सच बता दिया कि ये सब चीज़ें मैंने ही करवाई हैं, ओके, उसने सारा सच बोल दिया. देन द फादर इंस्टेड ऑफ किकिंग हिम आउट ऑफ द हाउस सेड दैट द एडमायर द बॉय रिसोर्सफुलनेस, द गर्ल admired his honesty and this his looks. पर rather than, क्योंकि उस जब उसने सच बता दिया, जब उसने कन्फेस कर लिया कि हाँ जी ये मैंने ही करवाया था, ये किडनैपिंग आपकी लड़की की मैंने ही करवाई है,
रेदर देन किकिंग हिम आउट, रेदर देन थ्रोइंग हिम आउट, ओके, उसे बाहर फेंकने से, मतलब फेंकने की जगह उसने क्या करा, उस लड़की का प्रमोशन कर दिया और उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करा दी. ओके, उसने अपनी लड़की की शादी क्या करा दी, अपने बेटे से, मतलब उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करा दी, अपने ही वर्कर से करा दी बेसिकली. ओके, द फादर प्रोमिस्ड हिम टू बी द हेड ऑफ द अकाउंट डिपार्टमेंट द गर्ल मैरिड हिम. मतलब फादर ने प्रोमिस किया कि नाउ ही विल बी द हेड ऑफ हिज अकाउंट्स डिपार्टमेंट. मतलब अब उसका प्रमोशन हो चुका है, अब वो क्या बन चुका है, अकाउंट डिपार्टमेंट का हेड बन चुका है और लड़की की शादी हो जाती है उससे. इट्स ट्रिमेंडस मिस्टर वॉलिन, इट्स एग्जैक्टली राइट. मतलब ये बहुत खतरनाक शॉर्ट स्टोरी है, ये बिल्कुल सही है. ओके, सीम्स अ बिट स्लॉपी टू मी माय बॉय. नो सर, इट्स अ सेलर, अ रियल सेलर. नाउ ही सेड दैट, नाउ मिस्टर वॉलिन सेड, सीम्स अ बिट स्लॉपी टू मी माय बॉय. मतलब थोड़ी सी शॉर्ट स्टोरी अजीब लग रही है. स्लॉपी का मतलब होता है ढीली, थोड़ी सी ढीली लग रही है शॉर्ट स्टोरी. कोई मतलब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है. ओके, कोई अट्रैक्टिव चीज़ इसमें नहीं है. देन नाइफ सेज, नो सर, इट्स अ सेलर, अ रियल सेलर. मीन्स नो सर, ये बहुत अच्छी सेल होगी मार्केट में. इस शॉर्ट स्टोरी को बहुत लोग, बहुत ज़्यादा लोग सेल करेंगे. ओके, इन हिज एक्साइटमेंट. मतलब वो क्यों सेल करेंगे, अपनी एक्साइटमेंट में. ओके, नाउ इन हिज एक्साइटमेंट नाइफ promptly ran off six more short stories in as many minutes, all of them except one, which for some reason came out a trifle late, seemed entirely satisfactory. मतलब अब क्योंकि नाइफ बहुत ज़्यादा मतलब excited हो गया था अपनी short story के लिए, तो उसने क्या किया, उसने कुछ देर में छः और short stories को निकाल दिया. ओके, और उनमें से सिर्फ एक जो थी वो उसकी फेमस नहीं हो पाई थी. मतलब छः शॉर्ट स्टोरी को उसने निकाल दी, छः में से एक शॉर्ट स्टोरी उसकी थोड़ी सी अच्छी नहीं बनी थी, थोड़ी बोरिंग थी. ओके, तो उसमें से पांच शॉर्ट स्टोरीज थी वो फेमस हो गई थी और एक शॉर्ट स्टोरी वो फेमस नहीं हो पाई थी. ओके, नाउ मिस्टर बॉलिन वॉज नाउ मॉलीफाइड. ही एग्रीड टू सेट अप अ लिटरेरी एजेंसी इन एन ऑफिस डाउन टाउन and to put Knight in charge. Now, अब मिस्टर वॉलिन को आप कह सकते हैं विश्वास हो गया कि हाँ नाइप कुछ कर सकता है, क्योंकि पहले उन्हें विश्वास नहीं था कि ये ढीला सा इंसान क्या कर सकता है. पर फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, ही इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन, ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सन, ये बहुत अच्छा पर्सन है, isn't it? पर अब उन्हें सच में, क्योंकि पहले वो तारीफ ऐसे ही करते थे, सिर्फ मुँह पर तारीफ करते थे नाइप की, पर इस बार उन्होंने अपने मन में भी सोचा कि हाँ जी, ये जो पर्सन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए नीचे टाउन में एक एजेंसी खुलवा देनी चाहिए. ओके, एक लिटरली एजेंसी सेटअप करानी चाहिए जिससे कि नाइप, जिसका जो चार्ज होगा, इंचार्ज मतलब जिसका जो हेड होगा वो नाइप होगा, एडॉल्फ नाइप. इन अ कपल ऑफ वीक्स दिस वॉज अकम्प्लिश्ड. Then Knight mailed out the first dozen stories. He put his own name to four of them. अब Knight ने क्या करा, Knight ने बहुत सारी short stories को लिखा, a dozen, dozen मतलब होता है 12 short stories को लिखा. Okay, और उनमें से first उनमें से जो चार पहली शॉर्ट स्टोरीज थी उसमें उसने खुद का नेम डाला. मतलब ऑथर्स नेम होते हैं ना, राइटर्स नेम, तो उन राइटर्स पे उसने खुद का नेम डाला पहली चार पे. उन चार पे उसने पहले खुद का नेम डाला. देन मिस्टर बोलिंस टू वन एंड फॉर द अदर्स ही सिंपली इन्वेंटेड नेम. और फिर बाकी की शॉर्ट स्टोरीज पे मिस्टर बोलिन का नेम पड़ा था, isn't it? Five of these short stories are promptly accepted. और इनमें से पांच शॉर्ट स्टोरीज थी वो एक्सेप्ट हो गई बहुत अच्छी तरीके से. द वन विद बोलिन्स नेम ऑन इट एंड वॉज टर्न्ड डाउन विद अ लेटर
from the fiction editor saying this is a skillful job, but in our opinion it doesn't quite come off. और उनमें से एक मिस्टर बॉलिन के नेम की, जो मिस्टर बॉलिन का नेम था वो वाली भी फेमस हो जाती है बुक, ओके, वो वाली भी जो स्टोरी बुक है वो फेमस हो जाती है जिसपे मिस्टर बॉलिन का नेम था, ओके. नाउ अब जो फ्रिक्शन स्टोरीज के थे, जो फ्रिक्शन एडिटर होते हैं जो शॉर्ट्स फ्रिक्शन स्टोरीज को लिखते हैं उसके एडिटर जो होते हैं, उन्होंने कहा, ही सेड दैट यप दिस इज स्किलफुल जॉब बट इन आर ओपिनियन इट डजेंट क्वाइट कम ऑफ, मतलब ये बहुत ही अच्छी जॉब है, इट इज़ अ स्किलफुल जॉब, ओके, बट ही ये बहुत ही अच्छी जॉब है, मतलब आप बहुत अच्छी तरीके से शॉर्ट स्टोरीज लिख रहे हैं, पर हाँ ये जल्दी आ नहीं पाएंगी, फेमस नहीं हो पाएंगी. वी वुड लाइक टू सी मोर ऑफ दिस दिस राइटर वर्क, मतलब इतनी बुक से कुछ नहीं होगा, हमें और ज़्यादा वर्क चाहिए इस राइटर का, जो ये एडॉल्फ नाइप है इसका और ज़्यादा वर्क चाहिए जिससे कि और ज़्यादा फेमस हो चुके, ओके. देन नाइप टुक अ कैब आउट टू द फैक्ट्री एंड रन ऑफ अनदर स्टोरी फॉर द सेम मैगजीन. फिर नाइट ने क्या किया, एक कैब ली, ओके, कैब कैब होता है, इट इज़ अ व्हीकल आप कह सकते हैं, कार टाइप का होता है, इजंट इट. कैब उठाई और फैक्ट्री की तरफ मतलब ले चला गया उसे, ओके, फॉर द अनदर स्टोरी फॉर द सेम मैगजीन, उस सेम मैगजीन के लिए दूसरी स्टोरी को ढूंढने. ही अगेन पुट मिस्टर बोलिंस, आई एम सॉरी जस्ट. नाउ नाइट ने अब क्या किया, दोबारा से मिस्टर बॉलिन का नेम लिख दिया, उसे मेल कर दिया, उस चीज़ को मेल कर दिया इमीडिएटली. देन वन डे बोट जो उन्होंने खरीदी थी, ओके, उस पर क्या था, उस पर किसका नेम था, मिस्टर बॉलिन का. द मनी स्टार्टिंग पोरिंग इन नाइट स्लोली एंड केयरफुली स्टेप्ड अप द आउटपुट एंड इन सिक्स मंथ टाइम्स ही वॉज डिलीवरिंग 30 स्टोरीज अ वीक एंड सेलिंग अबाउट हाफ. और फिर सीधे धीरे धीरे करके नाइप के पास बहुत ज़्यादा पैसा होने लगा, नाइप जो है वो बहुत अमीर होने लगा, और उसने 6 महीने के अंदर अंदर कम से कम 30 शॉर्ट स्टोरी बुक्स को डिलीवर कर दिया था, एंड ही वॉज सेलिंग अबाउट हाफ, और वो आधी शॉर्ट स्टोरी बुक्स को बेच चुका था, ओके. देन ही बिगेन टू मेक अ नेम फॉर हिमसेल्फ इन लिटरेरी सर्कल एज अ प्रोलिफाई एंड सक्सेसफुल राइटर. नाउ अब नाइप जो है वो बहुत ही अच्छा, उसका मतलब एक बोलबाला आप कह सकते हैं चलने लगा था पूरे लिटरेरी वर्ल्ड पे, पूरे लिटरेरी सर्कल में उसी का नाम होने लगा, उसी का नाम छपने लगा, ओके, और वो एक सक्सेसफुल राइटर बन चुका था, ओके. देन सो डिड मिस्टर बोलिन बट नॉट क्वाइट सच अ गुड नेम ऑल दो ही डिडंट नो इट. पर अब मिस्टर बोलिन जो है, मतलब नाइप का काम इतना अच्छा था कि मिस्टर बॉलिन से भी वो आगे निकल गया. मिस्टर बॉलिन का अब इतना फेमस नहीं, मिस्टर बॉलिन जो है वो अब इतने प्रोमिनेंट, इतने रिनाउंड नहीं थे. नाउ नाइप बिकम्स द फेमस पर्सन, ओके. नाइप का जो नेम था एडॉल्फ नाइप का, वो हर तरफ फैलने लगा, ओके. ऑल्दो ही डिडंट नो इट एट द सेम टाइम नाइप वॉज बिल्डिंग अप अ डजन और मोर फिक्शियस पर्सन एंड प्रोमिसिंग यंग ऑथर्स. और साथ ही साथ नाइप जो है डजन्स में शॉर्ट स्टोरीज को लिखने लगा, इजंट इट. वो ज़्यादातर फ्रिक्शन शॉर्ट स्टोरीज को लिखता था, ओके, एंड ही वॉज प्रॉमिसिंग टू द यंग ऑथर्स एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन. हर चीज़ सही जा रही थी, ओके, एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन मीन्स हर चीज़ सही हो रही थी. देन एट दिस पॉइंट इट वॉज डिसाइडेड टू अडेप्ट द मशीन फॉर राइटिंग नॉवल्स एज वेल एज शॉर्ट स्टोरीज. अब मशीन को क्या किया, अब मशीन में थोड़ा और एडवांसमेंट किया गया, थोड़ा सा और उसमें आप कह सकते हैं एडवांसमेंट किया गया, और इस अब मतलब अब की बार मशीन जो है वो शॉर्ट स्टोरीज के साथ साथ नॉवल्स को भी लिखने लगी थी. मतलब पहले तो वो शॉर्ट स्टोरीज को लिखती थी, छोटी शॉर्ट स्टोरीज को, फिर वो बड़ी शॉर्ट स्टोरीज को लिखने लगी, अब वो नॉवल्स को भी लिखने लगी थी, उसमें एक एडवांसमेंट हो चुका था, ओके. नाउ मिस्टर बोलिन थ्रस्टिंग नाउ फॉर ग्रेटर ऑनर्स इन द लिटरेरी वर्ल्ड इंसिस्टिंग दैट नाइप गो टू वर्क एट वंस ऑन द प्रोडिगेंस टास्क. नाउ मिस्टर बोलिन जो है अब
वो चाहते थे कि लिटरेरी वर्ल्ड में वो उन्हें और ऑनर मिले. ओके एंड दैट्स व्हाई इंसिस्टेड दैट नाइट वो टू वर्क एट वंस ऑन द प्रोडिजीनियस टास्क. आई वॉन्ट टू डू अ नॉवल, ही केप्ट सेइंग आई वॉन्ट टू डू अ नॉवल. और इसलिए जो नाइप है, ही वॉज सेइंग दैट आई वॉन्ट टू डू अ नॉवल, मतलब नाइप कह रहा था कि मुझे नॉवल करनी है. ओके मुझे एक नॉवल लिखनी है, वो ये मतलब कहता जा रहा था. एंड सो यू विल सर, एंड सो यू विल, बट प्लीज बी पेशेंट, दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट आई हैव टू मेक. मतलब कि क्योंकि अब हमें नॉवल्स लिखनी है, तो इसलिए जो मशीन है उसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. मतलब उसमें थोड़ा सा और एडवांसमेंट करना होगा, जैसे कि हम स्टोरीज के साथ साथ नॉवल्स को भी लिख लें. ओके सो ही वाज सेइंग कि हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड एडजस्टमेंट करना होगा, मतलब हमें एडवांस बहुत ही दिमाग लगा के हमें बहुत ही एडवांस वे से मतलब एडजस्टमेंट करना होगा, जैसे कि हम अपनी शॉर्ट स्टोरीज को और अच्छे से लिख पाए. ओके नाइप कहता है ये. देन एवरी वन टेल्स मी आई ओ टू डू अ नॉवल, मिस्टर बोलिन क्राइट. ऑल सॉर्ट्स ऑफ पब्लिशर्स आर चेजिंग आफ्टर मी डे एंड नाइट, बेगिंग मी टू स्टॉप फूलिंग अराउंड विद स्टोरीज एंड डू समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट स्टेट. नाउ अब मिस्टर बोलिन कहते हैं कि सब लोग कहते हैं, सब लोग मुझे बता रहे थे कि मैं बिल्कुल सही रहूँगा नॉवल्स के लिए. ओके मिस्टर बोलिन चिल्लाते हैं, हर तरह की पब्लिशर्स जो हैं वो हमारे पीछे आ रही हैं. ओके हर दिन हर तरफ की पब्लिशर्स वो हमारे पीछे आ रही हैं, एंड डे एंड नाइट बेगिंग मी टू स्टॉप फूलिंग अराउंड विद स्टोरीज एंड डू समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट स्टिल. मतलब हर तरह की पब्लिशर ये कह रही है कि आप एक ही तरह की शॉर्ट स्टोरी मत बनाइए, मतलब आप एक ही तरह की शॉर्ट स्टोरी मत बनाइए, आप थोड़ा सा डिफरेंट कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो बाकी में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो. मतलब आप हम लोगों को पागल मत बनाइए शॉर्ट स्टोरीज लिख लिख कर. ओके कुछ ऐसी चीज़ लिखिए जो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो हम लोगों के लिए. ओके अ नॉवल्स द ओनली थिंग दैट काउंट्स, दैट्स व्हाट वी दे से. और एक नॉवल ही है जो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं जो काउंट की जाएगी इन द एजेंसी, जो पूरे वर्ल्ड में काउंट की जाएगी, एक नॉवल ही है जो उन्होंने कहा था. उन्होंने ये कहा था कि आप शॉर्ट स्टोरीज की जगह पे नॉवल्स को लिखिए, क्योंकि नॉवल्स का ही आजकल मतलब जमाना चल रहा है, नॉवल्स ही आजकल लोग ज़्यादा पढ़ते हैं. तो आप शॉर्ट स्टोरीज की जगह पे नॉवल्स को लिखिए, क्योंकि ये लोग शॉर्ट स्टोरीज को कैरेक्टर से लेके पढ़ते थे ना. दैट्स व्हाई ही वाज सेइंग कि आप शॉर्ट स्टोरीज को ना लिखकर नॉवल्स को लिखिए. इजंट इट एंड हियर द शॉर्ट स्टोरी एंड सब. सो स्टोरी विल बी कंटिन्यूड इन द नेक्स्ट फर्दर पार्ट. So this was our part 4. Now we are left with just 2 parts. So if you love this video, then don't forget to give this video a big thumbs up, subscribe my channel, press the bell icon. And I promise ki aapka 2024 se pehle aapka aap keh sakte hain ye short story basically to complete ho hi jayegi. So that's it. Bye bye. Stay tuned for more videos. Bye guys.